सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाई आप तक। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में रात उस वक्त दहशत फैल गई जब समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल के करीबी और डिग्री कॉलेज के प्रबंधक पर बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चला दी। हालांकि हमले में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया। गौरतलब है कि पिछले साल डिग्री कॉलेज के प्रबंधक के भाई सुरसा के ब्लॉक प्रमुख रहे संजय मिश्रा की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात को राजनीतिक रंजिश से ही जोड़कर देखा जा रहा है। मामला सुरसा थाना क्षेत्र के मलिहा मऊ गाँव के पास का है, जहाँ पर मऊ गांव के रहने वाले हरिशंकर मिश्रा डिग्री कॉलेज के प्रबंधक संजय मिश्रा पर एक बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उनकी सफारी को ओवरटेक करके फायर कर दिया, जिसमें वो बाल बाल बच गए, लेकिन गाड़ी का शीशा टूट गया। वहीं उन्होंने उस बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन दोनों बदमाश चकमा देकर फरार हो गए। मैं हरदोई से आ रहा था और अपने कॉलेज पे जा रहा था। जैसे ही हम मलिया मऊ सेंटर की तरफ पहुंचे, वैसे ही एक बाइक ने हमको हल्का सा ओवरटेक करके और हमारी गाड़ी पे फायर किया। हमारी गाड़ी आगे बढ़ करके रुकी, हम लोग जब तक मुड़े तब तक वो लोग जो है हुसियापुर पुल की तरफ भाग गए। इससे पहले पूर्व प्रमुख संजय मिश्रा की हत्या पिछले साल उनके स्कूल में ही गोली मारकर कर दी गई थी। प्रबंधक समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल के काफी करीबी हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये क्या है पूरा गोलीकांड का मामला? ये इन्होंने धनंजय मिश्रा जी ने आकर के कंप्लेंट दिया है, उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच करके कार्रवाई की, आगे की जांच में जुट गई है पुलिस। के मामला दर्ज करने के बाद अब लोगों को आशा है कि शायद अब मिश्रा जी के ऊपर हमला करने वालों पर कोई कार्रवाई तो जरूर होगी। हरदोई से लवी खान की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।